हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आयोजित एग्रोविजन का उद्घाटन 25 नवंबर को पीडीकेवी ग्राउंड दाभा में होने वाला है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार शामिल होंगे। मुख्य बात यह है कि इससे पहले यह आयोजन ऋषिबाग मैदान में होता था, मगर अब यह आयोजन विशेष तौर पर किया गया है। एग्रोविजन का ये 13वां साल है। आयोजकों ने विश्वास जताया है कि इस साल भी एग्रोविजन अपने उद्देश्य पर खरा उतरेगा, जिसमें लगभग 425 स्टॉल होंगे, 5 प्रदर्शनी गुबन के डोम, 3 वर्कशॉप हॉल और उद्घाटन के लिए विशेष अलग विशाल डोम होगा। एग्रोविजन में किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरण, आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी के स्टॉल, नाबार्ड सहित अन्य बैंक व कृषि सरकारी विभाग शामिल होंगे। इस साल यूपीएल, एएस एग्री, पतंजलि, पीआई इंडस्ट्रीज, महीको, आईटीसी, रिलायंस, महिंद्रा, अंकुर सीड्स, धारा केमिकल्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राशि सीड्स, वीएच समूह, पारिजात इंडस्ट्रीज, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, धानुका, मेड़ा, कुबोटा ने प्रदर्शनी में भाग लेने की पुष्टि की है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। येत्या 25 ते 28 नोव्हेंबरला नागपुरात आपलं 13वे ॲग्रोविजनची सुरुवात होते आहे। हे ॲग्रोविजनचं उद्घाटन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या हस्ते होईल आणि या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस तसंच महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री श्री अब्दुल सत्तारजी हे देखील उपस्थित राहतील आणि या कार्यक्रमाची अध्यक्षता कृतीचे मुख्य म्हणजे ॲग्रोविजनचे मुख्य प्रवर्तक श्री नितीनजी गडकरी करतील। 4 दिवस होणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये सुमारे 40 पेक्षा जास्त कार्यशाळा होतील आणि यातल्या काही कार्यशाळा या प्रदीर्घ आहेत, ज्या आपल्या इथल्या करता जे महत्त्वाचे विषय आहेत, जसं ऊसाची लागवड असेल आहे किंवा संत्रा वर्गीय फळांचं मॅनेजमेंट असेल आहे, त्यातनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं दुप्पट करता येईल याच्याबद्दल असेल आहे, किंवा बांबूची लागवड आणि त्यापासून होणारे उद्योग आणि मत्स्य व्यवसाय, या 4 विषयांवरती आपण इथे मोठ्या कार्यशाळा घेणार आहोत, ज्याचा साधारणतः 2000 ते 5000 लोकं राहतील आणि याच्यामध्येच एक डेअरीचा विषय सुटला होता। डेअरीवर देखील 27 तारखेला एक मोठी कार्यशाळा आपण करतो आहे आणि याशिवाय जसं म्हटलं तसं साधारणतः 40 हून लहान कार्यशाळा आपल्याकडे आहेत आणि इथे प्रदर्शनामध्ये साधारणतः 10,000 स्क्वेअर मीटरचे डोम आहे, त्याच्यामध्ये 450 पेक्षा जास्त स्टॉल्स राहणार आहेत आणि 4000 ते 5000 स्क्वेअर मीटरचा ओपन टू स्काय एरिया आहे, इथे साधारणतः 35 ते 30 स्टॉल्स राहतील आणि यावेळेला फक्त महाराष्ट्र नाही तर महाराष्ट्राशिवाय बाकी राज्यातले देखील इथे प्रतिनिधित्व राहणार आहे। आपल्याकडे मध्य प्रदेश असेल, गोवा, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्यांचं देखील इथे स्टॉल्स राहणार आहेत आणि अगदी आसाम आणि अरुणाचलचं देखील लहान स्टॉल इथे राहतील आपल्याकडे। त्यामुळे मला असं वाटतं की पूर्ण अखिल भारतीय असं आपल्याकडे इथे ज्याला आपण राष्ट्रीय प्रदर्शन म्हणतो तसा पूर्ण राष्ट्रीय आपला याचा सर्वार्थाने राष्ट्रीय प्रदर्शन हे होणार आहे। इसके साथ ही विदर्भ के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विदर्भ में डेयरी विकास, विदर्भ में मत्स्य पालन, साथ ही बांस उत्पादन के आय के अवसरों पर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। दो स्थानों पर NBSLUP हॉल और PDKV ग्राउंड दाभा नागपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्रोविजन के संयोजक गिरीश गांधी, आयोजन सचिव रमेश मानकर, रवि बोरडकर सहित एग्रोविजन की सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर CD माई, एग्रोविजन फाउंडेशन के सदस्य सुधीर दीवे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।